नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल बागड़ी फ्रॉम अचरौल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया था और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया था। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना, इसका ढांचा, इसका प्रारूप क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ध्यान देना, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एचवी आती है। अब ध्यान रखना परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें एच वी दो दो आती है। एक तो आती हैज आती है और एक आती हैव आती है। ये दो एच वी आएगी किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज आएगी, हैव आएगी। और एक चीज, इस हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो सकते हैं, वो कौन से थर्ड पर्सन? जैसे ही, शी, इट और नेम्स। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग आई, वह, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग आई, वह, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैज का प्रयोग सिंगुलर या थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान दे लेना कि जो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब आती है, जिनमें हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो अब बात करें अगला एचवी के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये परफेक्ट टेंस का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया कि पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी। एचवी मैंने दो बता दी कि हैज या हैव, और हैज के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग आई वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और आगे लास्ट में क्या आएगा? अदरवर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये उतार लेना आप। अब देखो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का था, किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण सेंटेंस का था। अब इनके यूज पढ़ेंगे। पहला यूज क्या? पहला यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला यूज हम पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले आएगा कि जो भी कार्य, कोई सा भी एक्शन ले लो आप, वो क्या हो? तुरंत समाप्त हुआ हो। क्या हुआ हो? तुरंत समाप्त हुआ हो। तो पहला ही यूज क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जब किया जाता है तब कोई कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो। जैसे ही हैज, रिटर्न ए लेटर। क्या लिख दिया मैंने? कि ही हैज रिटर्न ए लेटर। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज आ गई यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये स्ट्रक्चर के अनुसार हमने कोई सेंटेंस लिख दिया कि पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहला यूज बताया कि जो भी कार्य, कोई सा भी कार्य ले लेना, कोई सा भी एक्शन ले लेना, वो तुरंत समाप्त हुआ हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे ही हैज रिटर्न ए लेटर, वह पत्र लिख चुका है। क्या? वह पत्र लिख चुका है यानी अभी समाप्त हुआ है, कुछ देर पहले ही क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। क्या? पत्र लिखना, कि वह पत्र लिख चुका है। तो इसके लिए हमने हैज लगा दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर दिया। और देखें, जैसे आई हैव बॉट
ए पेन, आई हैव बॉट ए पेन, मैं एक पेन खरीद चुका हूं, क्या मैं एक पेन खरीद चुका हूं, मैं एक पेन खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट ए पेन, मैं एक पेन खरीद चुका हूं, यानी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है पेन खरीदने का जो एक्शन था वो कुछ देर पहले ही, तो कुछ देर पहले ही या तुरंत समाप्त हुआ हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये दो एग्जांपल लिख लेना और इससे हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कि कुछ समय पहले ही क्या हुआ हो वो समाप्त हुआ हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये पहला यूज हो गया। अब पढ़ेंगे दूसरा यूज, क्या दूसरा यूज, जैसे दूसरा यूज, ही हैज कट हिज फिंगर, क्या है, ही हैज कट हिज फिंगर, ये क्या हो गया दूसरा यूज पढ़ रहे हैं। पहले इससे पहले हम एग्जाम्पल लिखे हैं कि ही हैज कट हिज फिंगर। अब देखो, उसने अपनी अंगुली काट ली, क्या, ही हैज हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर यानी अपनी अंगुली काट ली, काट ली, ठीक है, उसने अपनी अंगुली काट ली, ठीक है, काट तो ली लेकिन उसमें अभी भी क्या है, ब्लड रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा है, अपनी अंगुली काट ली, कि उसने अपनी अंगुली काट ली यानी कब काटा, पहले काटा, पास्ट में काटा, कब, पास्ट भूतकाल में काटा, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, प्रेजेंट में भी जारी है, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली लेकिन उसका क्या, काटी कब, पास्ट में, यानी इसका मतलब हुआ कि ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ हो, क्या, ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान दे लेना कि ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ हो, कब हुआ हो, पास्ट में हुआ हो और उसका जो प्रभाव है, उसका इफेक्ट है, वो वर्तमान में भी चल रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखो, ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली यानी काट तो ली लेकिन उसका जो खून बह रहा है ना, वो वर्तमान में भी बह रहा है, पास्ट में काटी थी, कुछ समय पहले काटी थी लेकिन उसका खून वर्तमान में भी बह रहा है, यानी उसका प्रभाव अब भी है, इसके लिए हम, इसके लिए किसका प्रयोग करें, हैज का प्रयोग कर दी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज और कट, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना तीनों फॉर्म समान होती है इसकी, ये कट और कट, ये तीनों फॉर्म समान होती है कट की, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हैज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर दिए, क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव क्या है, वर्तमान में भी है, पास्ट, कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ, कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमने कर दिया। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, दूसरा एग्जाम्पल है कि शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, क्या है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, कि उसने अपना, वह अपने कार्य से क्या है, मुक्त है, या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ठीक है, ही हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ठीक है, समाप्त तो कर लिया लेकिन वह अब उस कार्य से क्या है, मुक्त है, अब वो बिल्कुल फ्री है उस कार्य से, यानी उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, काम कब हुआ, ये पास्ट में हो गया, काम कब हुआ, पास्ट
पास्ट में हो गया लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, यानी वह इस कार्य से क्या है, अपने कार्य से क्या है, मुक्त है, फ्री है, यानी वर्तमान में भी दिखा रहा। मान लो मैंने कोई कार्य किया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया कल का, तो उस कल के होमवर्क जो मैंने कंप्लीट किया उस मैंने पूरा तो कर लिया पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव जो इफेक्ट है वो वर्तमान में भी, क्यों अब नहीं करना पड़ेगा ना मुझे, क्यों मैं फ्री हूं उस कार्य से, क्योंकि उसका प्रभाव वर्तमान में है, क्योंकि मैं फ्री हूं, इस कारण यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैज फिनिश्ड हेल्पिंग वर्क, और अब की थर्ड फॉर्म कि ही हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, कि वह अपने कार्य से अब क्या है, मुक्त है। क्यों मुक्त है, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट का कर लिया, इसका प्रभाव वर्तमान में भी है, तो इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैज या है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये था दूसरा यूज। अब तीसरा यूज हम पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल आसान तरीका है ये समझने का, इससे कोई और आसान तरीका हो ही नहीं सकता। अब देखो जैसे तीसरा यूज पढ़ेंगे, आई हैव lived, I have lived in a house, in this house since 1999 कि I have lived in this house Since 1999 कि मैं इस घर में कब से रह रहा हूं, 1999 से, 1999 से रह रहा हूं इस मकान में, मैं कब से रह रहा हूं, 1999 से रह रहा हूं। देखो कि ऐसा कार्य यानी जो पास्ट में भी रह रहा था और वर्तमान में भी रह रहा हूं और आगे भी रहूंगा, आगे तो कह नहीं सकता लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी रह रहा हूं, कि ऐसा कार्य कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999 कि ऐसा कार्य जो पास्ट में क्या हो, स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और जो वर्तमान में भी क्या हो, जारी हो, यानी प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो, जारी हो, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखो ना कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999 कि मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूं पास्ट में, यानी आज मान लो 2020 है तो मैं 1999 से पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में भी स्टार्ट हुआ वो रहना, 1999 से वो रहना स्टार्ट किया लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में भी क्या कर रहा है, उसी मकान में रह रहा है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब हैव कर दिया, क्यों आई है, और लिव्ड का प्रयोग कर दिया यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो ऐसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और उस प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो, वो जारी हो, चल रहा हो, लगातार कंटिन्यू हो, तो इसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसमें ध्यान रखना सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, सिंस और फॉर का। एक छोटी सी जानकारी ले लो, इस सिंस और फॉर का अलग से मैं क्लास लूंगा, अलग से क्लास बनाऊंगा जिससे आपको आसान से, लेकिन आज थोड़ा बहुत कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। जो सिंस होता है ना, जो सिंस होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुख्य बिंदु, जैसे 1999 आया, कब आया, 1999 आया, 2000 आया, 2001 आया, ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर, जैसे दो घंटे, दो हावर्स, थ्री हावर्स, ठीक है, इसको ये पीरियड ऑफ टाइम, अब सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि, समय अवधि, ये मुख्य बिंदु के लिए काम में लिया जाता है, यानी एक ही पॉइंट पर 2000, पीरियड ऑफ टाइम जैसे
2 घंटे 2 hours मान लो, ये यहाँ से 1 घंटा चालू होता है, 1 hour चालू होता है और यहाँ से पूरा हो जाता है। यानी इनके जो बीच की समय अवधि है, यानी कहीं से स्टार्ट होके कहीं तक, तो बीच का जो समय उसके लिए हम पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, आज से लेके कल तक, परसों से लेके पल्ले रोज तक, ऐसे समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो पॉइंट की बात हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, ठीक है, ऐसे शब्दों के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हावर आ जाए, 5 ईयर आ जाए, कब है 5 ईयर आ जाए, तो इन शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है कौन, ये फॉर, और ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। इनकी अलग से क्लास होगी जब मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा इनको, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, और ये देख लेना कि ऐसा कार्य है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो वर्तमान में भी जारी हो, ऐसे के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज थी आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट की। अगला जो यूज है वो पढ़ रहे हैं अगला जो यूज है वो पढ़ रहे हैं हाँ, ध्यान रखना, इन कुछ एडवर्ब्स का भी प्रयोग होता है, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, रिसेंटली, ऐसी कुछ एडवर्ब्स होती है, एवर, नेवर, ऑलवेज, रिसेंटली, ऑफन, येट, सो फार, एवर, नेवर, ऑलवेज, रिसेंटली, ऑफन, येट, सो फार, ये सिंस भी एडवर्ब्स में भी आता है, फॉर, ऑलरेडी, ये कुछ एडवर्ब्स होती है जिनका प्रयोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एवर, नेवर, ऑलवेज, रिसेंटली, ऑफन, येट, सो फार, सिंस, फॉर, लास्ट, ऑलरेडी, इन जो एडवर्ब्स होती है इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये लगभग लगभग नॉर्मल तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा कर लिए हैं। अगला जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ध्यान दे लेना कि जो हम नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ रहे हैं, हाई लेवल से अलग से पढ़ाऊंगा मैं, जिससे कि वो ग्रेजुएशन में काम आती है उनको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल 8 से लेके 10 तक के जितने भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दिया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर हैज हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ यूज बताए थे वो पढ़ लेना अच्छे से, एक या दो बार देखना। और यदि ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।